शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब तुम्हारा नाटक था। हाय प्रीति। हाय पापा। अच्छा ये बताओ कल क्या है? कल तो मेरा बर्थडे है। इसलिए देखो डैडी क्या लाए हैं। थैंक यू पापा। मम्मी देखो कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। सच कहते हैं बेटी पर तो माँ से भी ज्यादा बाप का प्यार होता है। छी 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 छी, इतनी छोटी सी बात पर हो रही है। कल देखना मेरा कमाल। क्या करूंगी? जादू। मतलब प्रीति का हार रात बीते बीते तेरे गले में आ जाएगा। कैसे? ऐसे। जल्दी जल्दी करो, मेहमान आते हैं। ओ बेटी, प्रीति के गले का हार दिखाई नहीं दे रहा। क्या हार नहीं मिला? हाँ, इसे सुनते हो? अरे आ रहा हूँ शक्की बीवी, बोलो क्या है? कल जो आप हार लाए थे ना, वो मिल नहीं रहा। हाँ, तुम लोगों ने कहीं देखा? नहीं माँ जी, हम तो अभी भी आए। फिर जाओ सारे घर में ढूंढो। माँ जी, क्या तुमने ऊपर वाले कमरे में अच्छी तरह देखा? नहीं। तो फिर जाकर। तुम भी कितने भोले हो, कभी खोई हुई चीज भी वापस मिलती है। ये क्या है? हार। तेरे गले में कैसे आई? ये तो प्रीति का है। नहीं, ये प्रीति का नहीं है। तो तुझे कहाँ से मिला? हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मेरी आंखें ऐसे हैं। खामोश, तभी तो तू यतीम पैदा हुई थी। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। असल बाप की बेटी है तो बता, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। कसाई की तरह मार रही हूँ, लेकिन ये लड़की है ये कैसे मस नहीं होती। हटो मम्मी, बता ये प्रीति का हार है? नहीं। तो फिर तुझे कहाँ से मिला? इन्होंने दिया। मैंने दिया? हाँ, आपने। मैंने कब दिया? कल रात को पिछवाड़े में। अरे मैं कल रात तुमसे कहाँ मिला? कोई याद नहीं, रात को आप मेरे पास आए थे और ये हार भी कर रहा था। इस घर से चली जाओ, आप मेरे पाँव में पड़े थे। आप इसके पाँव पड़े थे? ये चक्कर क्या है? जब से ये लड़की इस घर में आई है आप इसे निकालने में लगे हैं। इसके लिए हार लाने की क्या जरूरत थी? क्या रिश्ता है आपका? अरे बंद करो ये रनिंग कॉमेंट्री। पहले तो तुम शक्की थी, अब क्या पागल हो गई हो जो छोटी सी बच्ची की बातों में आ रही हो? मैं सिर्फ एक हार लाया था इसके लिए, इसने चुरा कर पहन लिया होगा। बहन जी, ये हार मुझे हमारे बरामदे में मिला। मम्मी, यही तो मेरा हार है। अब बताइए ये हार कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम। प्रीति का हार वही है। बाप रे बाप, यानी तेरा पति दो हार खरीद कर लाया था। आखिर नौकरानी के लिए हार खरीदने की क्या जरूरत थी? आखिर ये है कौन? आखिर इससे तेरे पति का रिश्ता क्या है? तो पूछती का नहीं, पूछा ना? देखा, देखा, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ एक हार लाया था और मुझ पर यकीन नहीं होता तो जाकर दुकानदार से पूछ लो। जाओ बॉस, ये दुकानदार से नहीं बाहर बरामदे में मिला। सुन लिया आपने? देखा, मेरी आंखों के सामने एक ही किस्म के दो हार है। आपके सामने ये लड़की कह रही है कि ये हार आपने उसे दिया। फिर दुकानदार से पूछने की क्या जरूरत है? आप इस लड़की को जानते हैं? चूरी, सच सच बता, तू इन्हें पहले से जानती है? बता। मिनी, जिसका नमक खाते हैं उसे झूठ नहीं बोलते। सच सच बता, तू इन्हें जानती है? जानती हूँ। जानती है? कब से जानती है? ये मत पूछिए, इन्होंने मुझे माँ की कसम दिलवाई है। तेरी माँ भी है? हाँ। कहाँ है?
सिर्फ ये मत पूछिए माँ जी। मतलब तुम्हारी माँ और बहन। ये सब क्या है? देखो मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आज मुझे सारी बात पता चलनी ही चाहिए। बहन जी जन्मदिन तो मना लीजिए। जन्मदिन के आभार में, आज तो मेरा परम दिन बनेगा। चल चल मनोज लड़की चल। मैं ही मिली थी धोखेबाज कह के। मैं आखिरी बार कह देती हूँ, कल तक अगर आप इस लड़की के माँ को, इसके बाप को मेरे सामने ना लाए तो मैं अपनी बेटी को जान से मारकर खुद जान दे दूंगी। चल सब तुम्हारा नाटक था। नाटक के बदले नाटक बॉस। मैंने नाटक किया? हाँ। ये लड़की कौन है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, इसकी माँ कौन है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो, और इसका बाप कौन है ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जानता। तुम सब जानकर भी अनजान बनते रहे, ये नाटक नहीं तो और क्या है बॉस? मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते तो सभागन पागल को मारने के लिए मुझे क्यों भेजा था? कुछ नहीं जानते तो इस नन्ही सी जान को मारने के लिए क्यों लाए थे? फिर भी तुम कहते हो तुम कुछ नहीं जानते, मगर मैं सब कुछ जानता हूं बॉस। इसका मतलब तूने किरण का खून नहीं किया हरामखोर। नागिन कभी कभी अपने ही अंडे निकल जाती है जब वो देख नहीं सकती। शेर कभी कभी अपने ही बच्चे को खा जाता है जब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक जहरीला जानवर है और दूसरा खूंखार, मगर जो अपनी बेटी को और उस बेटी को जन्म देने वाली मां दोनों को अपने हाथों से खत्म कर देना चाहता है, ऐसे जानवर को मैंने पहली बार देखा है बॉस। विक्रम! हाँ विक्रम, आज तक तुम्हारे हुक्म पर आग में कूद जाने वाला विक्रम, तुम्हारे ऊपर आने वाला हर बार अपने सीने पर झेलने वाला विक्रम आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा है। जानते हो क्यों? धर्म के लिए, इंसाफ के लिए। रनिंग कमेंट्री बंद करो, लड़की मेरे हवाले कर दो। मैं भी तो यही चाहता हूं बॉस कि मैं तुम्हारी बेटी और उसकी माँ दोनों को तुम्हें सौंप दूं, और सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि तुम उसके बाप हो और ये तुम्हारी शर्म नहीं तुम्हारी बेटी है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आखिर मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, उसका क्या होगा? नहीं, इम्पॉसिबल। इज्जत, रुतबा, कैसी शक्ल होती है इज्जत की? कैसा दिखता है रुतबा? तुम्हारी तरह या मेरी तरह? पैसे देकर कत्ल करवाने वाले तुम, पैसे लेकर कत्ल करने वाला मैं, क्या है हमारा रुतबा बॉस? क्या है हमारी इज्जत? बदले की आग में इस मासूम को झुलसने मत दो बॉस, इसे अपना लो। हरगिज नहीं, मैंने तो इसे पैदा होने के लिए नहीं कहा था। कहा नहीं था मगर पैदा तो किया। ये भूल मेरी नहीं थी। तो फिर किसकी भूल थी? ये सवाल उससे पूछो, उस भगवान से जिसने इसे पैदा किया। भगवान? तुम जैसे शरीफ लोग, मुझ जैसे और इस जैसी मासूम लड़की को पैदा करके सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं भगवान से पूछो। आज मैं भगवान से पूछता हूं, भगवान हमारा पता क्या है? वो बोलता है कैरा फुटपाथ। और भगवान क्या बोलेगा बॉस?
अगर हमारा पता केयर ऑफ फुटपाथ नहीं है बॉस, हमारा भी एक पता है। तुम्हारे जैसे ही बाप ने मुझे पैदा किया, तुमने इसे पैदा किया, तुम्हारा पता इसका पता है। ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूँ, और कल ये सारी दुनिया जानेगी। नमक हराम, तुमने मेरा नमक खाया। नमक खाया इसलिए जबान अब तक कहती रही बॉस बॉस, वरना कॉलर पकड़ कर कहता बास्टर्ड। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ बॉस, मगर मुझे डर है कि ये बच्ची अपने बाप को पाकर फिर खो ना दे। इसलिए जो हाथ तुझे मारने के लिए उठाना था, उसे ही जोड़कर फिर एक बार कहता हूँ, इसे अपना लो। ब्लैकमेल करता है कभी, मैं तुझे क्या समझा लूँगा? बॉस मुझे भड़काओ मत, और भड़क गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, इसे अपना लो, इसकी माँ को अपना लो, वरना मैं तेरी बीवी के सामने तेरे सारे पोल खोल दूंगा, सारे शहर में ढिंडोरा पीट कर बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है, और जिस रुतबे को तू पहनकर इतराता फिरता है, उसे तार तार करके सारी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। गुड बाय। कैदी जर्नल सिंह, मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि एक दिन मैं सब इंस्पेक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं बन गया। अरे तू क्या चैलेंज करेगा, करना है तो रेस में चैलेंज करके दिखा। तू एक मामूली तुच्छा कैदी सब इंस्पेक्टर आत्मा राम को चैलेंज करता है? अरे हिम्मत है तो रेस का चैलेंज कबूल कर ले। कांस्टेबल गीता उस तरफ है। कांस्टेबल गीता, यस सर। हम इस लफंगे का चैलेंज कबूल करते हैं। यस सर। तुम बनोगी रेफरी? यस सर। हाँ तो बोल, कितनी लंबी रेस का चैलेंज रहा? सामने वाले सर्कल में जो नारियल का पेड़ है उसको छू कर वापस आना है। इतना बड़ा एसआई और इतनी छोटी सी दौड़, फिर भी हमें मंजूर है। कांस्टेबल गीता उधर है। कांस्टेबल गीता, यस सर। तुम गिनोगी 1 2 3, कम ऑन रेडी, 1 2 3। अरे ओ 1 2 3, पहले दरवाजा तो खोल, मैं क्या कोठरी में रेस लगाऊंगा? राइट, कांस्टेबल गीता खोल दरवाजा। कांस्टेबल गीता, ये दौड़ का मुकाबला एसआई आत्मा राम कैदी जनरल सिंह के बीच में नहीं है, बल्कि ये मुकाबला है कानून और जुर्म के बीच में। कानून जीतता है। आत्मा परमात्मा साथ दे। बच गया बैंड आत्मा, जीत गया कानून, जीत गया जुर्म, हार गया। पहले 50 मीटर तक तो वो मेरे आगे था और मैं उसके पीछे, उसके बाद जब मैंने अपनी बैटरी चार्ज की तो फिर मैंने उसे ऐसा पछाड़ा कि बस। लेकिन सर वो कैदी है कहाँ? जो लोग रेस में पिछड़ जाते हैं वो पीछे आते हैं। नहीं सर, वो आपको बेवकूफ बना गया, धोखा देकर रफू चक्कर हो गया है वो। क्या कहा? यानी कि फरार हो गया? यस सर। और तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ? कम ऑन फॉलो मी। क्या हुआ? वो पागल की दिन भाग गई। तुम झूठ बोलती हो। नहीं, तुमने पैसे लेकर उसे रंजीत के हवाले कर दिया। नहीं विक्रम, उसने हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था। बाहर से ताला लगा दिया और भाग गई। बेटा उसे जल्दी ढूंढो। हेलो रंजीत हियर। कैसे हो रंजीत? तुम्हारा विक्रम कैसा है? सुना है तुम्हारा दाया हाथ तुम्हें छोड़कर चला गया है। बहुत बुरा हुआ, राम की सेना से हनुमान चला गया। तुम हमेशा उसके कंधे पर तीर रखकर चलाते थे रंजीत। अब मौका मिला है, जितना नुकसान तुमने मुझे पहुंचाया है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा मैं वसूल कर सकूं। तुम ऐसा करो कि 50 लाख रुपए कैश लेकर उसी पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाओ जिसे तुमने
मुझसे हटाया था। क्यों, तुम्हारे बाप की शादी है क्या? मैं क्यों? भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। ओ शट अप यार, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। रनिंग कॉमेंट्री बंद करो, इस वक्त तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन वो रुपया लेकर उसी पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच जाओ। विक्रम, अब ये तेरा सर दर्द नहीं है, चल जाओ। मेरे बॉस और मेरे बीच जो कुछ भी हो, मगर मेरे बॉस पर या उनकी बीवी पर या उनकी बच्ची पर जो हाथ उठाएगा वो हाथ मैं काट डालूंगा। हमारा हाथ काटने के लिए तुम्हारा हाथ भी तो होना चाहिए। मेरे हाथों कितनी बार मार खाकर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई? उल्टा साला मुझे शर्म आ रही है। अब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, बल्कि इस आदमी से तुम लोगों को मार खिलवाऊंगा। क्या, हमारे आदमी से हमें ही पिटवाएगा? हाँ, अपने जिस्म पर एक भी मार खाए बगैर मैं तुम्हारे ही आदमी से तुम लोगों को पिटवाऊंगा। राक्षस लोग हमें छोड़ेंगे क्या? फिर तुम लोग आए कैसे? विक्रम ने हमें छुड़ाया। क्या? विक्रम ने? लेकिन उसने तो मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। चंगानिया की इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि विक्रम आपके साथ नहीं था, लेकिन विक्रम ने भी उसे ठीक जवाब दिया। वही है हमारा रखवाला। विक्रम घर में? नहीं सर, वो तो दो दिन से घर नहीं आए। विक्रम, 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 उस हरामजादे विक्रम ने मेरा कमरा कर दिया है। जब रणजीत के साथ था तब भी मुझे नुकसान पहुंचाता था, अब वो रणजीत के साथ नहीं रहा तब भी मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे मुझे बुखार चढ़ रहा है। मैंने कहा, मेरी दवा कहाँ है?
मुझे मेरी दवा चाहिए, मुझे दवा चाहिए। इधर आइए, इधर आइए सर, वो रही आपकी दवा। तरन तन तन। ये तो पत्ते की फोड़ी की तरह है। अलिका, ये तुझे कहाँ मिल गई? मैं सुबह शॉपिंग के लिए गई थी। मियाँ मियाँ। हाय हाय, क्या अंदाज़ है! मैंने कहा इसके हाथों हमारे लिए दूध भेजो, दूध। संभवामी युगे युगे, इसका मतलब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन हो तुमने? रो क्यों रही हो? क्या बात है, तुम हो कौन? ये मेरी भाभी है। क्या ये सच है? चलो भाभी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। भैया ने इनके इलाज पे 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, मगर इनका पागलपन ठीक नहीं हुआ। ऐसे पति नसीब से मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलिए मानो। मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह जिद करते हैं। चलो, चलो मुझे। नहीं, आज तो सारी का झोंका पकड़ कर खींच रहा हूँ। ये कौन है? मेरे भाई साहब, इनके पति। माधुरी, इसे मेरे पास ले आओ। पति शब्द का मतलब मालूम है इसे? इस राक्षस को मंगल सूत्र और फांसी के फंदे का फर्क नहीं मालूम। इसे घर और बाजार का फर्क नहीं मालूम। इसे सुहाग की सेज और कोठे के बिस्तर का फर्क नहीं मालूम। ये पति चंगानिया, इस उम्र में भी तेरी नियत काली की काली ही है। ओ, तू अभी तक जिंदा है? मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं वो दवा हूँ जो तुम जैसे गंदे कीड़ों को मार डालती है। मेरे जैसे कीड़े इतनी आसानी से नहीं मरते जानकी। मैं खुद एक जहर हूँ, तुम्हारी जहरीली दवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंगानिया, जिसका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बेबसों के आंसुओं में डूब कर खत्म हो जाता है। माधुरी, पुलिस को फोन करो। अरे, इस लड़की को खींच कर ले आओ। कौन है तुम? ये मेरी बेटी है, इस लड़की की माँ। मदद कीजिए हमारी, देखते क्या हो। अच्छा।